आजादी के अमृत महोत्सव पर आज घनसौली में भव्य तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई। विधायक रमेश दादा पाटिल एवं युवा नेता एडवोकेट चेतन पाटिल के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में सेतकरी विद्यालय के सैकड़ों छात्र, सीआईएसएफ के जवान और एनसीसी कैडेट्स के साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। विधायक रमेश दादा पाटिल ने तिरंगा रैली को आज़ादी दिवस को यादगार बनाने का जरिया बताया और नागरिकों से 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले 75वें वर्ष की जश्न आजादी में शामिल होने का भी आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीर में दिख रहा विशाल तिरंगा रैली का यह नजारा घनसौली क्षेत्र का है। राष्ट्रभक्ति की धुन वंदे मातरम का जय घोष करते हुए इस तिरंगा रैली में सैकड़ों छात्र, शिक्षक, एनसीसी कैडेट और सीआईएसएफ के जवान शामिल हुए हैं। कोली महासंघ के अध्यक्ष विधायक रमेश दादा पाटिल एवं युवा नेता एडवोकेट चेतन पाटिल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर इस तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। आज यह तिरंगा रैली घनसौली में राष्ट्रभक्ति का जोश बढ़ाती नजर आई। विधायक रमेश दादा पाटिल ने यहां ध्वजारोहण कर सेतकरी विद्यालय से इस तिरंगा रैली का शुभारंभ किया, जो घनसौली का परिभ्रमण करते हुए संपन्न हुई। विधायक रमेश दादा पाटिल ने तिरंगा रैली को देशवासियों में राष्ट्रप्रेम का जज्बा जगाने और उन्हें एकजुटता के सूत्र में जोड़ने का अभियान बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि यह स्वाधीनता का स्वर्णिम अवसर है, इसलिए आजादी का यह अमृत महोत्सव यादगार होना चाहिए। उन्होंने नवम्बईकरों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। देशाला स्वतंत्र म्हणून 75 वर्ष झाली आणि देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजींनी 12 मार्च रोजी गांधीजींच्या स्मारकाकडे जाऊन त्यांनी निवेदन करून त्यांना अभिवादन करून 12 मार्चच्या पासून हा आजादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण देशात साजरा करायचा असं ठरवलं आणि आता 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट संपूर्ण भारतामध्ये हा आजादी का अमृत महोत्सव साजरा होत आहे आणि आज या ठिकाणी आम्ही घनसोली हायस्कूल आणि आमच्या परिसरातील सर्व आमचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, संचालक मंडळ घनसोली हायस्कूल, आम्ही सर्व कार्यकर्ते इथे जमलेलो आहोत। सर्व अधिकारी जमलेले आहेत, सीआयएफचे अधिकारी इथे आलेले, एनसीसीचे आमचे विद्यार्थी आहेत, शाळेतले विद्यार्थी आहेत। सर्व मिळून आम्ही आज स्वतंत्र आजादी का एक आम्ही मोठा कार्यक्रम इथं आयोजित केलेला आहे। या ठिकाणी आजादी का अमृत महोत्सव साजरा करत असताना फार खूप म्हणजे बरं वाटतं की आम्हाला आनंद वाटतोय, कारण ज्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली, संविधान दिलं, घटना लिहिली, संविधान लिहिलं, त्यावेळेस संपूर्ण देशातल्या सर्व नागरिकांना, मग कुठल्या समाज असू द्या, कुठला धर्म असू द्या, जाती धर्म कुठे, सर्वांना न्याय मिळेल असं संविधान निर्माण केलं आणि आज आपण त्या संविधानामध्ये इथे राहत आहोत। खरोखरच आपल्याला अभिमान वाटतंय की आपल्याला 75 वर्ष झाली, कारण ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं त्यांची आज आपण आठवण काढतो। ज्यांनी आपल्यासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं त्या अशा महापुरुषांना आज आपण अभिवादन करतो आणि आज आपण त्यांनी 75 वर्षापूर्वी हे सगळं केलं, स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला, आपला बलिदान दिलं, म्हणून आज आपण 75 वर्षानंतर, आपण तर जन्माला आलो नव्हतो परंतु आज 75 वाढदिवसानिमित्ताने, आज अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आज आपण हा दिवस साजरा करत आहोत। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को घनसौली के छात्रों, युवाओं और आम जनों तक पहुंचाने वाले युवा नेता एडवोकेट चेतन पाटिल ने कहा कि यह आजादी हमें लाखों कुर्बानियों के बाद मिली है,
इसलिए इसे बरकरार रखने और देशवासियों में राष्ट्र प्रेम का जज्बा जगाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो अमृत महोत्सव शुरू किया है वह निश्चित तौर पर सराहनीय है और देश को जोड़ने और आगे ले जाने का काम करेगा। और यह आज़ादी हमें इतने आसानी से नहीं मिली है, हमारे कई भाइयों ने और बहनों ने इस आज़ादी के लिए बलिदान दिया है, फांसी पर चढ़े हुए, उनको अभिवादन करना चाहिए कि ये उनकी बदौलत है कि आज हम स्वतंत्र भारत में आज झंडा हमारा लहरा रहे, आज सांस ले रहे और आज़ादी मना रहे। इसलिए भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में अमृत महोत्सव का आयोजन किया हुआ है, उसमें हम सारे नवी मुंबई के नागरिकों ने बड़े उत्साह से सहयोग लिया। इस रैली का नेतृत्व हमारे सबके लाडले कोली महासंघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद के सदस्य आमदार रमेश दादा पाटिल, इनके नेतृत्व में हुआ। सारे स्कूल के छात्राएं थी, CISF के सारे जवान थे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे और नवी मुंबई के अनगिनत नागरिकों ने इसमें उत्स्फूर्तपने सहयोग लिया। सभी को अपने देश के लिए प्यार होता है और सभी ने आज वो दर्शाया है कि जो देश हमें हमारे भाइयों और बहनों ने, क्रांतिकारियों ने आज़ाद करके दिया है, हम उसका मूल्य करेंगे और हम उन्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।